देखो टूअर्ड सेटल लाइफ, द हेडिंग है यहाँ पर टूअर्ड सेटल लाइफ। सेटल लाइफ मीन्स एक जगह, मतलब फूड हंटर से वो क्या बन गए, फूड प्रोड्यूसर बन गए। आप फूड प्रोड्यूसर बन जाते हैं, मतलब फूड प्रोड्यूसर कौन होता है, किसान होते हैं। फार्मर्स को मतलब फूड प्रोड्यूसर का मतलब होता है किसान, जो खेती करते हैं। अब उन्होंने खेती करनी सीख ली, तो खेती करेंगे तो खेत के पास ही घर बनाने पड़ेंगे, तो उसने सेटल लाइफ, तो उसने खेत के पास ही छोटे छोटे हट्स बनाने शुरू कर दिए, केव्स में रहना शुरू कर दिया, ठीक है ना। ये कब रहना उसने शुरू करा, दिस हैपन बिटवीन 8000 BCE एंड 4000 BCE, मतलब आज से 4 से 8 हज़ार साल पहले इंसान ने, ह्यूमन बींग्स ने घर बनाने शुरू कर दिए थे, मतलब घर में रहना शुरू कर दिया था। देखो नेक्स्ट हेडिंग है हाउसेस, देन द हाउसेस दैट द नियोलिथिक पीपल बिल्ट वर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड रीड। अब देखो मड मतलब मिट्टी, चिकनी मिट्टी। स्ट्रॉ मीन्स जो हम स्ट्रॉ, हमारे जो फसल में जो नीचे के जो स्टेम्स होते हैं उनको स्ट्रॉ कहते हैं, एंड रीड, और जो भी उसमें पत्ती हो गए या दूसरा जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, इन लोकल टंग में हम कहें तो छान जिसे हम कहते हैं, उसने कच्चे हट्स बनाने शुरू कर दिए। और मटेरियल क्या यूज़ करता था, मड, स्ट्रो एंड रीड। तो सबसे पहले उसने मतलब झोपड़ी बना के रहना शुरू कर दिया। फिर देखो नेक्स्ट हेडिंग है टूल्स। अब टूल्स का मतलब होता है औजार। औजार सबसे पहले उसने किसके बनाए, देखो ये पिक्चर में शो करें, सारे स्टोन से बने हुए औजार हैं, ठीक है ना, अलग अलग शेप्स में हैं, राउंड शेप के भी हैं, फिर एकदम कॉनिकल शेप भी हैं इसमें, है ना, रेक्टेंगल शेप्स भी हैं, अलग अलग स्टोन्स उसने, इम्प्लीमेंट्स जो भी उसको ज़रूरत लगी हुई उस शेप के, उसने स्टोन्स के वेपन्स या टूल्स बनाने शुरू कर दिए। अब देखो ये सब एक केस स्टडी यहाँ दे रखी है, भीमबेटका का इज़ अ नेम ऑफ ए प्लेस, ठीक है ना, एक प्लेस का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये स्टोन्स मटेरियल मिले हैं, जो मैंने आपको पहले पिक्चर में बताए थे, ये सारे, ये बहुत सारे स्टोन्स के जो सबसे ज़्यादा टूल्स और वेपन्स मिले हैं वो भीमबेटका में मिले हैं। ये एक प्लेस का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर यहाँ मोस्टली ये टूल्स मतलब स्टोन से बनी हुई चीज़ मिली है, और कुछ पेंटिंग्स भी मिली हैं वहाँ पर भीमबेटका में। देखो यहाँ लिखा हुआ है पेंटिंग इनसाइड ए केव इन भीमबेटका, तो वहाँ पर उसने मतलब कह सकते हैं कि मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं उसने आर्टिस्ट्री मतलब पेंटिंग की आर्ट भी सीख ली, उसने एग्रीकल्चर की आर्ट भी सीखी, उसने हाउ टू मेक यूटेंसिल्स पो है ना, अर्थन पोट्स बनाना भी सीखा, और उसने पेंटिंग करना भी सीख लिया, उसको कलर्स के बारे में पता लगने लग गया। अब ये पेंटिंग वो है कि जैसे देखो उसने सबसे पहले जानवर पालने शुरू करें, तो साथ में देखें आप देखेंगे गाय मतलब काउज हो गए, बफलोज हो गए, हॉर्स हो गए, उनके पिक्चर्स आपको देखने हैं, डॉग्स हो गए, मतलब जो आजू बाजू वो डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने साथ रखता था उन एनिमल्स के साथ अपना पिक्चर भी उसने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है ना। फिर ये नेक्स्ट एक है जो हमें मिलता है केस स्टडी ऑफ हंगाई, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है, कृष्णा रिवर, कृष्णा की बात कर रहे हैं, रिवर कृष्णा कहाँ फ्लो करता है, आंध्र प्रदेश में, मतलब हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया की, ये हमने बात करी है सेंट्रल इंडिया, और ये हम बात कर रहे हैं सदर्न इंडिया, ठीक है ना, आंध्रा और कर्नाटक की बात कर रहे हैं। वहाँ पर भी ऐसे केव्स और कुछ पुराने स्टोन्स से बने हुए टूल्स और वेपन्स हमें मिले हैं, ठीक है ना। आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर की, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे नोमेड्स, कि नोमेड का एक्चुअली मीनिंग क्या है, पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, मतलब जो पीपल पुराने ज़माने के लोगों की बात कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों की बात कर रहे हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह अपने फूड के लिए घूमते रहते थे, उनको हम नोमेड्स कहते हैं। तो मतलब नोमेड्स हम पुराने हमारे पूर्वजों के लिए यूज़ होता है। फिर हंटर गैदर्स, पीपल हु हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स एंड रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव, स्टॉक्स एंड एग्स, मतलब खाने की चीज़ को जिसने इकट्ठा करना शुरू करा, जो आर्ट है, जैसे स्टोरेज की आर्ट जो ह्यूमन बींग्स ने सीखी, चाहे वो मीट हो या फिशरीज हो या हमारी क्रॉप्स ईल्ड हो, वो सारा फूड गैदरर्स होता है। फिर देखो माइक्रोलिथ क्या है, नेक्स्ट वर्ड माइक्रोलिथ्स है, तो माइक्रोलिथ एक्चुअली क्या है, किसके लिए वर्ड का मतलब मीनिंग क्या है, स्मॉल स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग द मैसोलिथिक पीरियड, मतलब जो पत्थरों से बने हुए टूल्स जो हमें मिले हैं वो सारा माइक्रोलिथ
कहलाता है। फिर साइट्स, साइट्स का मतलब क्या है, SITES, साइट्स, देखो प्लेस वेयर रिमेन्स ऑफ पास्ट कल्चरल्स ना कल्चर्स टूल्स पोर्ट्स बिल्डिंग्स एक्सेट्रा आर फाउंड, मतलब जिन जगहों पे ये सारे खुदाई के मतलब खुदाई करने पे ये सारे पुराने बर्तन पुरानी पेंटिंग्स ये जो मिली हैं उनको हम साइट्स कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं एट द बैक ऑफ द चैप्टर, तो ये देखो पहले MCQs हैं, सब में 3-3 choices हैं, each question have A, B, C, 3 choices are there, which one is right, you have to mention this in the blank, ठीक है ना, ये 5 MCQs हैं, you have to do by yourself, ठीक है ना, फिर 5 fill in the blanks हैं, ठीक है ना, ये इसमें prehistoric people were cave, तो you have to answer these questions in your own way, ठीक है ना, by reading the book, and the next question is true or false, you have to mention which one is true and which one is false, फिर short answer type questions, this answer is of 6-7 lines and you have to give this answer in 60-70 words, and the next heading is long answer type questions and you have to give this answer in 80-100 words, ठीक है ना, at least 8-10 lines for these answers, you have to complete or you have to go through this chapter which I taught you today, ठीक है ना, the books are already in the school premises, you have to buy it from the school.